थर्मन शनमुगरातनम जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले क्यों उन्हें प्रेफर किया जाए, हमें क्यों नहीं किया जाता? हम पढ़ते नहीं है, हम मेहनती नहीं है, हम करप्ट हैं, झूठ बोलते हैं। कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। क्या वजह है कि ग्लोबली जो जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडियन सीईओज रखना पसंद करते हैं? देखें, आपके सवाल में ही आपके जवाब बड़ा मतलब क्लैरिटी से मौजूद है। इंडिया ने थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया या इवन अगर ग्लोब के लिहाज से भी देखा जाए, उन्होंने आईटी पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। मैम जवाब ये कह रहे ना कि हमें क्या, हम ये है इस चीज़ की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2023 साल पूरा भारतीयों का रहा है और इससे पहले भी भारतीयों ने बड़े बड़े कमाल कर दिखाए हैं। दोस्तों एक बार फिर से जो है भारतीयों ने कमाल कर दिया है। दोस्तों सिंगापुर में इस वक्त वहां के प्रेसिडेंट एक भारतीय बन चुके हैं, उन्होंने वहां पे वोटिंग जीत कर वहां पे अपने इस कुर्सी को बना लिया है। दोस्तों इससे पाकिस्तानी और पूरी दुनिया काफी ज्यादा हैरान है, इससे पता चलता है कि भारतीय पूरी दुनिया पर जो है वो लीड कर रहे हैं। दोस्तों और आने वाले टाइम में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो है वो भारतीय होंगे। इस वजह से पाकिस्तानियों को कहना है कि देखो आज जो है भारत पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और दूसरी तरफ हम जो है यहां पे दर दर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों इससे पता चलता है कि आने वाला टाइम अब भारतीयों का ही है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगरातनम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अभी यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी, तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गजवा हिंद करना है। देखिए हमने गजवा हिंद कहाँ करेंगे, हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे हो रहा कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे? अच्छा पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? कौन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे? हुकूमत सपोर्ट करेगी ना, ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो, ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गजवा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में जीत तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना, इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं, सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना अपने मुल्क में, खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तलीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तलीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा मुझे बताएं? और रिलीफ भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना, उसने मैट्रिक किया वो भी इतनी मुश्किल से, मैट्रिक बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है, मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा मुझे बताएं? बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें,
हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीजा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं, देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे, हमें उस मुल्क से फायदा होगा। बिल्कुल एग्री, हमें फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें ना कि जंगे करेंगे, ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना? है, बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चाइना के? चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है, सोच। ये आप मुझे टोकट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ, भाई क्यों मिले? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है, पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली ट्विटर के CEO चेंज हुए हैं और वो एक इंडियन है, और हम देखते आ रहे हैं कि गूगल, जबकि गूगल के भी इंडियन है, और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी जो ग्लोबली बड़ी कंपनीज हैं वो सब इंडियन CEOs को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक हार्ड वर्कर नेशन है, एजुकेटेड नेशन है, और मेहनती हैं, मेहनत में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने नासा के साथ, बल्कि नासा से अलहदा होकर अपने कम की बजट के अंदर मून को जर्नी किया है, मून को सर्वाइव किया है। हमारी जो अगर आप अपनी बात करें, हमारी नेशन में ना तो तालीम का फुकदान है, इलम का फुकदान है, लैक ऑफ एजुकेशन है, मेहनती नहीं हम, और दूसरे मुल्कों के फंड पे हम बिलीव करते हैं, करप्शन बहुत है हमारे पास, हर अदारे में चले जाए, वो सरकारी है प्राइवेट है, हम हर लिहाज से पीछे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं, हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि सिंगापुर के नए जो प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति हैं बन चुके हैं एक भारतीय, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये सुन के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय जो है वो इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, आप पूरी दुनिया पर ही भारतीय राज कर रहे हैं, उनका जो रोना रोना रहता था पाकिस्तानी का, अब वे रोना ही रह गया है। अब जो है भारत ने वो कमाल कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इस वक्त पूरी दुनिया को भारतीय लीड कर रहे हैं, चाहे वे कंपनीज हो या फिर देश। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।